हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमने जो हमारे जो जी कोड की श्रृंखला है उसमें हमने स्टडी किया है जी कोड का G49 तक। G49 का मतलब होता है टूल हाइट कंपनसेशन कैंसल। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि G50 कोड उसका यूज क्या होता है। तो G50 कोड का मतलब होता है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। G50 मीन्स मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। ओके, सो इसका मतलब होता है कि मशीन को सिर्फ इतना ही स्पिंडल स्पीड दिया जाएगा। G50 का मतलब, अगर हमने G50 के साथ लिखा, समझो G50S 2000, अगर हमने ऐसा लिखा है तो ये मशीन को सिर्फ 2000 तक ही RPM प्रोवाइड करेगा। उसके आगे मशीन के RPM नहीं जाने देगा। इसी के लिए काम में आता है G50। तो हम G50 का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? देखिए, जब हम G96 कोड का यूज करते हैं तब हम उसके साथ G50 यूज करते हैं। अब G96 ऐसे बीच में कैसे आएगा, आप सोच रहे होंगे। अब तो G50 है, उसके बाद में G54 हम स्टडी करने वाले थे। लेकिन दोस्तों, G50 का यूज क्या है? G50 का मेन यूज ये है कि वो G96 के साथ ही ज्यादा काम में आता है। तो देखिए, G96 का क्या मतलब है? G96 मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड। ओके, G96 का मतलब होता है कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड। अब ये कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड क्या है, ये आपको क्वेश्चन आया होगा कि कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड क्या है। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा VC है, VC जो हमने अपने सबसे पहले वीडियो में देखा था, VC हमने देखा है हमारे पहले वीडियो में, VC का मतलब क्या है, AP का मतलब क्या है, AE का मतलब क्या है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ कटर क्या है, हम सब बेसिक से देखते आ रहे हैं। तो अभी आपको ये पहला वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम सब टोटल एंटायर बेसिक ले रहे हैं। बेसिक के साथ शुरुआत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसके बाद में प्रोग्रामिंग, उसके बाद ऑपरेटिंग, उसके बाद 3D प्रोग्रामिंग, उसके बाद ड्राफ्टिंग, ये सब हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आप शुरुआत से देखिए ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ सके। तो देखिए, G96 का मतलब होता है कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड। ओके, मतलब VC कॉन्स्टेंट रखना है, मतलब जो कटिंग स्पीड है वो हमें कॉन्स्टेंट रखनी है। तो जो सरफेस स्पीड है ना, तो ये दो टाइप में आता है। पहला है SFM, दूसरा है SMM। SFM मतलब सरफेस फीट पर मिनट। ओके, और ये जो SMM है ये होता है सरफेस मीटर पर मिनट। ओके, सिंपली इसको हम VC कहते हैं। और VC का आपको फार्मूला भी पता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया VC का फार्मूला क्या है, VC क्या होता है। तो SFM क्या है, SMM क्या है, ये मैंने आपको बताया। SFM मतलब सरफेस फीट पर मिनट, SMM मतलब होता है सरफेस मीटर पर मिनट। ओके, तो SFM और SMM इसमें अंतर क्या है, इसका रिलेशन क्या है, दोनों में कैसे स्विच किया जा सकता है, ये हम डिटेल में देखेंगे एग्जैक्टली इसके बाद की वीडियो में। मैं आपको इसके बाद में एक वीडियो डाल दूंगा इसका, SFM और SMM का, क्योंकि अगर मैं आया आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये दोनों का डिस्क्रिप्शन, दोनों का अंतर, इसका इन्वेंशन कब हुआ था, इसका मतलब क्या है, और इसका रिलेशन क्या है, किसमें कितना मिला है तो SFM आता है, किसमें कितना डिवाइड करेगा तो SMM आता है, ये मैं आपको सारा टोटल एंटायर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी ये होगा हमारा VC। तो G96 कोड हम यूज करते हैं जहां पे हमें एक कॉन्स्टेंट VC चाहिए, जहां पे हमें कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड चाहिए। ओके गाइस, सो देखिए, अगर हम एक जॉब को मशीनिंग कर रहे हैं, समझो एक जॉब है, इसको हम फेसिंग कर रहे हैं, इसका जो डायमीटर है वो आप समझिए 200 mm इसका डायमीटर है, और इसका आईडी का डायमीटर समझिए 100 mm है। जो डायमीटर है ना ये समझिए आप, ये 100 mm। ओके, तो हम इसे कर रहे हैं फेसिंग। अगर इस केस में हम इसे फेसिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, फेसिंग करते वक्त हम यहाँ तक आ रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम इसे एक ही RPM दे, समझो हमें VC दिया हुआ है
हमारा डायमीटर 200 है और समझिए हमें वीसी दिया हुआ है सप्लायर ने 200, कटिंग स्पीड दिया है 200, ऐसा आप समझिए। तो अब क्या होगा, अगर आप एक ही स्पिंडल स्पीड यूज करेंगे तो वीसी में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा चेंज। तो हमारा वीसी का फार्मूला क्या है, सबसे पहले फार्मूला बताइए वीसी का फार्मूला क्या है। वीसी इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो अब क्या करें, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। वीसी इज इक्वल टू व्हाट, अब वीसी कितना दिया है 200, 200 इज इक्वल टू 3.14, मतलब पाई की वैल्यू 3.14 दी ऑलवेज, इंटू डी, डी मतलब डायमीटर कितना है 200, इंटू एन आरपीएम पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, सो एन इज इक्वल टू व्हाट, एन इज इक्वल टू 200 इंटू 1000 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 200। ओके, सो ये 200 और ये 200 हो जाएगी कैंसिल। एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 3.14, एन की वैल्यू कितनी आएगी 318 आरपीएम। ओके, कितनी 318 आरपीएम। अगर समझो हम सेम आरपीएम डायमीटर 100 पर भी यूज कर रहे हैं तो हमारा वीसी क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा ना। अगर हम एक ही आरपीएम यूज कर रहे हैं, एक ही मतलब हमको आरपीएम निकला है 318, तो अब देखिए हमें आरपीएम मिल चुका है 318। ओके, एज पर वीसी, जो हमें वीसी दिया था, वीसी के हिसाब से हमें डायमीटर 200 के लिए आरपीएम मिल चुका है 318। अगर हम 318 आरपीएम पूरे प्रोग्राम के लिए फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा वीसी कम हो जाएगा। हमें क्या करना है, वीसी हमें मेंटेन रखना है। तो हमें क्या हुआ, फिर 318 आरपीएम है, अगर हम 318 आरपीएम यहाँ भी यूज कर रहे हैं 100 तक और 200 पर भी हम 318 आरपीएम यूज कर रहे हैं तो हमारा वीसी ड्रॉप हो जाएगा। तो हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए हम यही आरपीएम इस फार्मूला डालते हैं तो वीसी कितना है हमारा, वीसी में पता नहीं है, वीसी मैंने बोला आपको ड्रॉप हो जाएगा अगर हम सेम आरपीएम पूरे जॉब के लिए यूज करेंगे तो। तो क्या होगा, वीसी, वीसी इज इक्वल टू, हमें पता नहीं है वीसी इज इक्वल टू क्या है, पाई डी एन बाय 1000 बाय, ओके, पाई डी एन बाय 1000। तो पाई की वैल्यू कितना है 3.14 इंटू डी, कितना है हमारा डायमीटर 100, पाई डी इंटू एन आरपीएम कितने 318 डिवाइडेड बाय कितना 1000। ओके, सो दिस टू जीरो एंड दिस टू जीरो, अब क्या आएगा वीसी हमारा, वीसी इज इक्वल टू, तो हमारा वीसी कितना आएगा 99.8 मीटर पर मिनट, बराबर है। तो हमारा वीसी ड्रॉप होना ही हुआ है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे टर्निंग कर रहे थे, जब हमें 200 की डायमीटर का वीसी पता नहीं था तो हमें 200 डाल के इसका वीसी निकाला, बराबर है, सॉरी, जब हमें 200 डायमीटर के लिए आरपीएम कितना देना था हमें पता नहीं था तो हमने सिंपली डाल के देखा कि आरपीएम 318 आ रहा है, यह हमें पता चला। लेकिन अगर हम यही सेम आरपीएम पूरे इसके प्रोग्राम के लिए फॉलो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वीसी हमारा ड्रॉप हो जाएगा, वीसी हमारा कम हो जाएगा। तो क्या होता है, सिंपली हमें ये वीसी को कांस्टेंट रखना पड़ता है, हमें जो हमारा कटिंग स्पीड है तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, मतलब एक जैसा ही कटिंग स्पीड रखना पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं G96 कोड। तो G96 कोड यूज करते वक्त प्रोग्राम का फॉर्मेट कैसा होता है, देखिए पहले आता है G50S 2000 या 2500, हमारे सीएनसी का आरपीएम 3500 के ऊपर नहीं जा सकता है। कोई कोई मशीन है जो काम करती है 3000 आरपीएम, लेकिन बहुत सी मशीन जो 3500 आरपीएम के ऊपर काम नहीं करती है। ओके, सो देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, G50S 2000। G50 का मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंट स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल स्पीड को क्लैम कर रहा है ये 2000 के ऊपर, इसके आगे हमारे जॉब का स्पिंडल स्पीड नहीं जाएगा। अगर स्पिंडल स्पीड बढ़ गया तो जॉब को डैमेज हो सकता है, जॉब छोड़ सकता है मशीन। तो G50S 2000 एंड G96S 200 एंड दिस S इज नॉट RPM, दिस इज VC। आपको VC इनपुट करना है यहाँ पे, S के साथ आपको क्या करना है, VC इनपुट करना है। ये ऑटोमेटिक हर डायमीटर के हिसाब से उसका RPM कम ज्यादा करते रहेगा। ओके,
जैसा जैसा हमारा जो कटिंग टूल है वो सेंटर पॉइंट की तरफ आ जाएगा, वैसा वैसा इसका आरपीएम बढ़ते रहेगा। ये ऐसा क्यों होता है तो मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, आप साइड में वीडियो अटैच किया हुआ है मैंने, वहां पे देखिए, जैसा जैसा हमारा टूल क्लोजर आ रहा है एक्स के, वैसा वैसा मशीन का आरपीएम बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो में अटैच किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा जो जॉब है, समझो अभी ये इसका डायमीटर कितना है, 200 है, तो 200 डायमीटर रहा, अगर इसे हम खोलेंगे, इसका अगर हम सरकमफेरेंस निकालेंगे, आपको सरकमफेरेंस पता है या फिर आपको पेरिफेरी उसको बोलते हैं, आपको पेरिफेरी पता है, पेरिफेरी का क्या मतलब होता है, क्या फॉर्मूला है पेरिफेरी का, सरकमफेरेंस है, क्या फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस सी इज इक्वल टू पाई इंटू डी, मतलब क्या, सी इज इक्वल टू 3.14 इंटू डी, डायमीटर कितना 200, क्या आएगा इसका आंसर, सी इज इक्वल टू व्हाट, और सी विल बी 6018, दिस विल बी अवर एमएम, दिस विल बी अवर सरकमफेरेंस ऑफ दिस ओडी, मतलब सी कितना है अभी 618 का सरकमफेरेंस है, बराबर है। अभी देखेंगे अगर हम इसका सरकमफेरेंस देखेंगे, जिसका डायमीटर 100 है ना, उसका सरकमफेरेंस देखेंगे कितना आता है, सी इज इक्वल टू कितना, इसका 618 आया तो इसका कितना आएगा 309 आ जाएगा, बराबर ना, 6 1/2 3 और 18 1/2 9, ओके 09, मतलब 309 इसका क्या आया, सरकमफेरेंस आया। तो अगर ये सेम आरपीएम से कट करेगा तो हमारा वीसी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इसका सरकमफेरेंस ज्यादा है, इसका सरकमफेरेंस कम है। अगर हम इसे खोलेंगे ऐसा और एक तार में इसे कन्वर्ट करेंगे, ये लंबा तार हो जाएगा, ये छोटा तार हो जाएगा, बराबर है, दोनों को अगर सेम आरपीएम देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये इसका फिनिशिंग भी बराबर नहीं आएगा और अपना वीसी कटिंग स्पीड भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसे ये डायमीटर को ये इसके मतलब 200 मीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करता है, उसको इसके आरपीएम बढ़ा देता है, उसको एडजस्ट करता है। तो क्या होगा, हमारा जैसे जैसे टूल एक्स के पास आ जाएगा, सेंटर पॉइंट के क्लोजर आ जाएगा, तो मशीन का आरपीएम बढ़ते रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार ऐसा हो जाएगा कि हमारा टूल डायरेक्ट सेंटर पॉइंट तक आ जाएगा, तब हमारा फिर आरपीएम क्या होगा, देखिए अब क्या करेंगे हम, अब सिंपली यहां पे हम देखेंगे, सपोज हमारा डायमीटर अब हो गया डी 0, अब सेंटर पॉइंट के पास आ रहे हैं ना, यहाँ पे कट करते हुए सेंटर पॉइंट के पास आ रहे हैं हम, समझिए अब हम इसी डायमीटर पे आ रहे हैं कि सेंटर पॉइंट तक आ रहे हैं, सेंटर पॉइंट तक क्या, इसका डायमीटर क्या है 0 है, तो डी 0, ओके, तो हम डी 0 को हम फार्मूला में इनपुट करते हैं, वीसी का फार्मूला क्या है, वीसी इज इक्वल टू पाई डी एन बाय 1000, ओके, तो वीसी अपना वीसी कितना है 200, 200 इज इक्वल टू पाई 3.14 डी 0 एन, आरपीएम हमें पता नहीं है, एन निकालना है, ओके, डिवाइड बाय 1000, बराबर है। अब क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1000 इंटू 200, बराबर है, डिवाइड बाय 3.14 इंटू 0 एंड दिस इंटू 0 मीन्स 0, ओके, एन इज इक्वल टू 1000 इंटू 200 डिवाइड बाय 0। अब इसका आंसर क्या आएगा, हम 0 से डिवाइड करें तो n इज इक्वल टू आ जाएगा इंफिनिटी, बराबर है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं हुई, n इज इक्वल टू इनफिनिट वैल्यू इसकी। तो ये पॉसिबल है क्या, अगर 0 के पास आ रहा है तो इसकी आरपीएम हो रहा है इनफिनिट, ओके, सो 10 के पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सपोज 10 के पास आया तो 20,000 हो जाएगा, 5 के पास आया तो उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना आरपीएम मशीन का रहता ही नहीं है। तो फिर मशीन को आरपीएम के लिए लिमिट लगाने के लिए क्या यूज करते हैं, G50, यहाँ पे हमने इनपुट किया है G50S2000, मतलब मशीन 2000 आरपीएम के ऊपर आरपीएम देगा ही नहीं कटर को, ओके, अब जॉब को, तो जो जहां तक उसका आरपीएम 2000 तक आता है वहां तक 2000 मेंटेन करेगा, जब ये सेंटर पॉइंट की तरफ जाता है तब ये क्या करेगा, एज ए G97 बिहेव करेगा, मतलब कॉन्स्टेंट स्पिंडल स्पीड रखेगा या फिर स्पिंडल स्पीड को क्लैम कर देगा और 2000 का ही हमारा आरपीएम रहेगा। तो ये हुआ यूज G50 का, जो जिसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, मतलब इसके ऊपर हम नहीं जा सकते प्रोग्राम में स्पिंडल स्पीड के आरपीएम के लिए, और ये G96 इसका मतलब होता है कॉन्स्टेंट सरफेस स्पीड, जो हम SFM में भी निकालते हैं, SMM में भी निकालते हैं, SFM मतलब होता है हमारा VC, ओके,
तो ये इसका यूज है अपने G96 कोड का। G96 कोड आपको मैक्सिमम यूज होगा ओडी टर्निंग के वक्त, जब आप टर्निंग कर रहे हैं बिगर डायमीटर से छोटे डायमीटर, जब आप टर्निंग कर रहे हैं तब आप 96 का यूज कर सकते हैं, जब आप फेसिंग कर रहे हैं तब आप 96 यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप थ्रेडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर आप ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मशीन पे, तब हमें 97 का यूज करना है। G97 हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, अब हम सीक्वेंस से जा रहे हैं। पहले हमने G49 तक पढ़ा था, अब G50 हम ये आज हमने पढ़ा है G50 का। तो G50 का जो ये कोड है ये दोनों साथ में आते हैं, इसलिए मैंने आपको साथ में G50 और G96 दोनों पढ़ाए हैं। अगर आपको G96 और G50 में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके ऊपर और डिस्क्रिप्टिवली बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने CNC VNC प्रिपरेशन करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।